हरे कृष्णा। तुलसी जी के सिर्फ दर्शन करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके पत्तों को छूने मात्र से हमारे शरीर पावन हो जाता है। उनसे प्रार्थना करने से सारे रोग से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें जल देने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आइए जानते हैं तुलसी जी की सेवा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। तुलसी देवी को प्रतिदिन सुबह के समय जल चढ़ाएं। हालांकि गर्मी के समय में सूर्यास्त के पहले एक और बार जल चढ़ाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे सूर्यास्त के बाद जल न चढ़ाएं। नियमित रूप से दिन में दो बार और अगर दो बार संभव नहीं है तो कम से कम एक बार दीप धूप और फूल के साथ तुलसी जी की आरती करें। भगवान को भोग लगाने के लिए और उनकी पूजा अर्चना में उपयोग करने के लिए तुलसी के पत्तों को हाथों से बड़े ही ध्यान पूर्वक तोड़ें। इसके लिए छुरी या कैंची की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही मंजरिया सूख जाए तो उन्हें तोड़ कर निकाल दें। शास्त्र के अनुसार द्वादशी के दिन तुलसी जी के पत्तों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। उसके एक दिन पहले ही पत्तों को तोड़ कर रख दें और भोग लगाने में उनका प्रयोग करें। भोग लगाने के लिए तुलसी के सूखे पत्तों का या फिर नीचे गिरे हुए पत्तों का भी उपयोग किया जा सकता है। भोग लगाने के बाद तुलसी के पत्तों को फेंक न दें, उन्हें अलग कर सभी में प्रेम से बांटें। अगर भोग लगाने के लिए तुलसी के पत्ते कम पड़ जाए तो प्लेट में एक तुलसी पत्ता रख कर आप भोग लगा सकते हैं। तुलसी के पत्तों को दवाई के रूप में पानी में उबाल कर या काढ़ा बनाकर उपयोग ना करें। अगर तुलसी के पत्तों पर कीड़े लग जाए तो किसी भी पेस्टिसाइड का उपयोग न करें। नीम के पत्तों को उबाल कर ठंडा करके तुलसी के पत्तों पर उसे स्प्रे करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।